तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जो कि दिल्ली से है, जहां पर द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। चीफ जस्टिस एनवी रमन शपथ दिलाएंगे, जहां देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होगी। सुबह 10:15 बजे द्रौपदी मुर्मू का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें द्रौपदी मुर्मू को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। सेंट्रल हॉल तक पीएम मोदी के साथ रामनाथ कोविंद और द्रौपदी जाएंगे। तो आज का दिन काफी खास, क्योंकि देश को आज 15वें राष्ट्रपति मिलने वाला है, और इसी के चलते द्रौपदी मुर्मू आज शपथ लेगी। बता दें कि देश की अगर पहली राष्ट्रपति की बात करें, महिला राष्ट्रपति की बात करें, तो वो प्रतिभा पाटिल थी, तो वहीं पर दूसरी राष्ट्रपति महिला राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू आज शपथ लेने वाली है। वहीं देखा जाए तो आदिवासी जनजाति और तमाम देश की महिलाओं के लिए आज का पल काफी गौरवान्वित करने वाला है, क्योंकि देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने वाली है। तो द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति पद की शपथ लेगी। चीफ जस्टिस एनवी रमन शपथ दिलाएंगे। देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होगी, जो सुबह 10:15 बजे द्रौपदी मुर्मू का शपथ ग्रहण समारोह होगा। बता दें कि द्रौपदी मुर्मू को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। सेंट्रल हॉल तक पीएम मोदी के साथ रामनाथ कोविंद और द्रौपदी जाएंगे। तो आज का दिन काफी खास तमाम उन महिलाओं और देश की जनता के लिए, क्योंकि आज पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति की शपथ लेने वाली है। तो अब तक 14वें राष्ट्रपति के तौर पर रामनाथ कोविंद ने जिम्मेदारी निभाई थी, और अब इसके चलते द्रौपदी मुर्मू 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाली है। बता दें कि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, जिसमें मतदान 18 जुलाई को हुआ था और 21 जुलाई को नतीजे आए थे। तो 21 जुलाई का वो दिन है जब द्रौपदी मुर्मू को जीत हासिल हुई थी, और यशवंत सिन्हा विपक्षी के तौर पर खड़े हुए थे, जिन्हें भारी मतों से द्रौपदी मुर्मू ने हराया था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि झारखंड की राज्यपाल भी है द्रौपदी मुर्मू, और आज देश की राष्ट्रपति बनने वाली है। तो तमाम तैयारियों की बात कर ली जाए तो तमाम तैयारियां भी की जा चुकी है। द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किस तरीके से किया जाएगा, और साथ ही क्या तैयारियां है ये भी देखा गया है, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आज करीब 10:15 बजे द्रौपदी मुर्मू शपथ लेने वाली है। तो बीजेपी के लिए तो ये काफी खास मौका रहेगा, लेकिन उसी के साथ ही आम जनता की बात कर ले, तमाम उन महिलाओं की बात कर ले, तो उनके लिए भी काफी खास दिन है आज, क्योंकि एक देश की महिला देश की कमान संभालने वाली है। तो ऐसे में उन तमाम महिलाओं के लिए भी आज का दिन काफी खास है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज शपथ दिलाएंगे। एनवी रमन आज द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाने वाले हैं। करीब 10:15 बजे द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला के तौर पर और देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण करने वाली है। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं की बात कर ली जाए तो उनमें भी काफी उत्साह देखा जा रहा है, और चुनाव के समय में द्रौपदी मुर्मू का काफी स्वागत किया गया था, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तमाम राज्यों में, और उन तमाम विधायक और सांसदों ने वोट दिया था द्रौपदी मुर्मू को, और इसी के चलते आज द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाली है, यानी कि देश की पहली नागरिक द्रौपदी मुर्मू होगी। तो देखिए आज का दिन काफी खास हो जाता है उन तमाम महिलाओं के लिए भी, जो अपने भविष्य में कुछ करना चाहती है, और द्रौपदी मुर्मू उन तमाम महिलाओं के लिए एक बड़ी सीख देने वाली महिला होगी। तो आज का दिन तमाम महिलाओं के लिए भी और आदिवासी जनजाति के लिए भी काफी गौरवान्वित करने वाला है, क्योंकि आज देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति महिला राष्ट्रपति की
शपथ लेने वाली हैं। द्रौपदी मुर्मू आज देश की 15वीं राष्ट्रपति बन जाएगी और सुबह 10:15 बजे द्रौपदी मुर्मू शपथ ग्रहण करने वाली है। तो यानी कि अब से कुछ ही समय के बाद में देश को पहला नागरिक मिल जाएगा द्रौपदी मुर्मू के रूप में, और इसी के साथ द्रौपदी मुर्मू को 21 तोपों की सलामी भी दी जाएगी। सेंट्रल हॉल तक पीएम मोदी के साथ में रामनाथ कोविंद और द्रौपदी जाएंगी और इसी के चलते आज शपथ ग्रहण समारोह होगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि राजघाट द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी है और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और आज राष्ट्रपति पद की शपथ लेगी, जहां समारोह में 2.5 साल और 2.5 महीने की नातिन भी शामिल है। तो आदिवासी समुदाय में जन्मी द्रौपदी मुर्मू संसद के केंद्रीय कक्ष में सुबह 10:15 बजे देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ लेंगी। इससे पहले राजघाट पहुंचकर उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। इसके बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी जाएगी। फिर नए राष्ट्रपति का संबोधन होगा। इसके बाद मुर्मू राष्ट्रपति भवन पहुंचेगी। तो वहीं पर अगर मेहमानों की बात कर ली जाए तो मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में ओडिशा से 64 खास मेहमान आने वाले हैं।